फॉल हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ है। कभी स्पीड कम हो रही है स्नो की, कभी ज़्यादा हो रही है। तो अब तो इतनी ज़्यादा बर्फ हो चुकी है, ये देखो इतनी लेयर। इसको मैंने बिस्तर दिया था, इसने पीछे पीछे आना है। यहाँ बैठ, इधर 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 इधर, यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ। इसको खेलने के लिए चाहिए, जैसे इसको मैं दिखती हूँ वैसे। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे बैठ जाना चुपचाप से। हम दोनों बर्फ के साथ खेलेंगे, चल। तो यहाँ पर बन रहे हैं पकौड़े और पापा बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है इसलिए तंदूर के पास बैठकर ही बना रहे हैं। तो अब लुत्फ लेते हैं पकौड़ों का और चाय का। और बाहर बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है और ये चिड़िया पकौड़े बनते हुए देख रही थी, और यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया खाना ढूंढ रही है, तो हमने यहाँ पे इनके लिए थोड़ा दाना वगैरह रखा था। और बर्फ़ में तो बहुत मुश्किल होता है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ऐसे खाना ढूंढना। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू डे विद न्यू व्लॉग। सो मैं उठ चुकी हूँ और दिस इज डे फोर। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बट इस ब्लॉग की शुरुआत तो पिछले दिन से हुई है क्योंकि मैंने थोड़ा सा शूट कल भी किया था शाम को, तो वो कंटेंट भी मैं इस ब्लॉग में डालूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा आज कोई अच्छा कंटेंट मिले या ना मिले तो थोड़ा सा जो वो कंटेंट वो पिछले दिन का होगा, मीन्स कल का होगा, और बाकी आज की शुरुआत तो हम करेंगे ही। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। अभी मैं आपको जन्नत की सैर करवाती हूँ, चलिए मेरे साथ। इसको इसके ऊपर कितनी बार ढकती हूँ मैं इसको, फिर से फेंक देता है इसको। चुपचाप से बैठा रहे, बर्फ है इतनी सारी। ओह माय लॉर्ड, बट अ ब्यूटी। मौसम ख़राब था ना, तो अभी भी बर्फ सॉफ्ट है।
सो लेट्स ईट। वो दिख रहा है मुझे परे से, अब आएगा उठ के भागते भागते यहाँ पे मेरे को तंग करने। देखो उठ गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बर्फ 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 है ये? रोटी खाएगा? खाओ मेरे को मत खाओ मेरे को मत खाओ मेरे को मत खाओ। अब इसका भाई भी आ गया। देखो ये है बड़ा और ये है छोटा। अच्छा, ये ले तू। अच्छा चल परे खा तू अपनी। हाँ अच्छा अपनी मिलनी तेरे को बदतमीज। हाँ किधर कहाँ जा रही है बर्फ में? हैं बर्फ में कहाँ जा रही है? ठंड है बार खुशी 2 दिन के बाद निकली होनी बाहर आज। बर्फ के साथ खेलना? क्यों खेलना बर्फ के साथ? अच्छा फाइनली अब धूप लग चुकी है। देखो सूर्य भगवान जी आ चुके हैं। और अभी यहाँ से जो बर्फ हमारी छत से बर्फ गिर रही है मेरे सर पे गिर गई थी। अब ये होता है देखो, तो अभी ये सारी बर्फ गिरेगी। तो अभी मैं जा रही थी यहाँ से नहाने, तो फिर वो बर्फ मेरे सर पे गिर गई। तो ना अब बस छत से ऐसे बर्फ गिरती रहेगी और अगर कोई नीचे है तो उसके सर पे गिरेगी जैसे मेरी गिरी थी। भागो। कितना सुंदर मौसम लग रहा है, सूर्य भगवान जी चमक रहे हैं और अब चारों तरफ की पहाड़ियों में हमें वाइट वाइट बर्फ दिखेगी। तो यहाँ पर बनाई जा रही है होममेड सेमियां। तो आटे की बनाई जा रही है, ये आटा गूंदा है। उसके बाद आटे को यहाँ से डालेंगे अंदर और इसको ऊपर से जो इसमें घुमाने के लिए इसको यहाँ से घुमाएंगे, तो फिर नीचे से जो है सेमिया जो अपनी शेप में बारीक बारीक में बारीक निकलेगी। और फिर इनको हम रखेंगे सुखाने, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप। तो अब इनको धूप लगाएंगे, फिर जब ये सूख जाएगी ड्राई हो जाएगी फिर ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पापा बना रहे सेमिया। तो कुछ इस तरह से होममेड सेमिया बनाई जाती है और फिर जब ये सूख जाएगी फिर इनको खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो हे गाइस, ओवरऑल इन दिस व्लॉग आई शोड यू कि पहाड़ों में बर्फ में कैसी होती पहाड़ियों की जिंदगी, पहाड़ों में रहने वालों की जिंदगी। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट ईजी, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पहाड़ों में बर्फ के समय रहना। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है, सबसे ज़्यादा जो जो सफ़र करते हैं वो है स्ट्रे एनिमल्स। इंसानों के पास, इंसान तो स्टोर कर लेते हैं चीज़ें बर्फ के टाइम की, बाहर जाने को जब सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है तो हम लोग स्टोर करके रखते हैं चीज़ें। बट एनिमल्स जिनके पास ना रहने का कुछ ठिकाना होता है ना खाने का कुछ होता है,
तो स्पेशली स्नो में जब बर्फ पड़ती है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो मैं बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके घर पे एनिमल्स आ रहे हैं या फिर आपको बाहर कहीं स्ट्रे एनिमल्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ उनको खाना दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई एनिमल आता है तो एक वो होप से आता है। जैसे जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमें नीड होती है, तो हम अपनी फैमिली के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं एक होप से कि वो हमारी हेल्प करेगा। तो बस वो भी हमारे घर पे एक होप से आते हैं कि उन्हें खाना मिलेगा, तो बस उन्हें खाना दीजिए। और गाँव में तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है कि लोग खाना देते हैं कुत्तों को, बट मैंने देखा है सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉग्स जो बाहर का खाते हैं, बाहर कूड़ा करकट खाते हैं, गाय वगैरह, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ भी लगी होती हैं। तो ये मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब जितना हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि जितना एक इंसान की कैपेसिटी होती है उतना आप करोगे तो उनके लिए अच्छा है। और जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो उससे हमें भी अच्छा फील होता है और उससे हमारे कर्मास भी प्योर होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, अच्छे होते हैं। तो बस उनकी हेल्प कीजिए। जैसे एक डायलॉग काफ़ी फेमस है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इनके भगवान हम ही हैं। हम इनकी हेल्प करेंगे या फिर हम किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं तो उसके लिए भगवान वही होता है जो उसकी हेल्प करता है। तो बस लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपको कभी ऐसे एनिमल्स दिखते हैं या फिर कोई नीडी पर्सन दिखता है, उनकी हेल्प कीजिए। हमेशा ये सोच के कीजिए कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी एक्सपेक्ट करते ना कि आपकी भी हेल्प करे। तो बस ये सोच कर ना कभी मतलब किसी नीडी पर्सन की, किसी नीडी एनिमल की हेल्प कीजिए। सो बस इतना ही कहूँगी और ब्लॉग को करने जा रही हूँ अब एंड। एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ और करूँगी कि मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। हाँ, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ थी, मैंने फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है ओवरऑल इन माई ब्लॉग्स स्टार्टिंग से, अगर अभी की जर्नी की बात करूँ। बट हाँ, मैं हर दिन बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और यही ट्राई करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करूँ, जो नॉलेजफुल भी हो, एक एंटरटेनिंग भी हो, वैल्यूएबल कंटेंट दिखाने की कोशिश करूँगी बस। सो बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। और लिटरली जब मेरा एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना, अभी मुझे पता है मैं बिगनर हूँ और एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, तो एक एक सब्सक्राइबर से ही लाखों करोड़ों होंगे। तो अगर मेरे को एक भी मेरा सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ उस पर्सन का जिसने मुझे सब्सक्राइब करा है। और लिए आप सभी का ग्रेटफुल हूँ जिसने मुझे सब्सक्राइब करा है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं। नो मैटर, अभी शायद से मेरे पास इतने फॉलो अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर होएंगे इतना मुझे पता है। और बस मैं ट्राई करूँगी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिखाने की कोशिश करूँगी। सो देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए।